तो अभी ऐसा हो गया है कि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के लिए है वो बीजेपी के लिए मोदी जी हो गए हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शट अप या कुनाल। एंड टुडे विद मी आर टू वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड संजय सिंह, दे आर इलेक्शन इंचार्ज एंड करंट राज्यसभा एमपी। अभी एक चीज़ एक्चुअली लास्ट 6 महीने में मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो इफ इट्स पार्ट ऑफ प्लान और व्हाटएवर, पर आप लोग ने मोदी जी को बॉलिंग करना छोड़ ही दिए। बिकॉज आप मोदी जी को बॉल डालते थे, मोदी जी कोई भी शॉट मारते थे, फोटो में ऐसा लगता था छक्का मारा है, और आपने रेफर ही नहीं किया मोदी को लास्ट 6 महीने में 7 महीने में। नहीं, अब दिल्ली के चुनाव है ना। हाँ, तो हमारा फोकस दिल्ली है। अच्छा, और दिल्ली के चुनाव तो दिल्ली के काम पे लड़े जाएंगे, तो दिल्ली में तो मोदी जी ही। अच्छा, मोदी जी सेंटर में, जब सेंटर का चुनाव लड़ रहे थे, जब लड़ेंगे तो बात करेंगे। मेरा एक ही राजनीतिक सवाल आखिरी है, और ये है कि आजकल जो आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं देश में लोकसभा चुनाव के बाद, अभी दिल्ली की बात करते हैं, नहीं ओवरऑल ओवरऑल एक बताइए, क्योंकि आप यू आर एन इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर, तो आप किस तरह से नेशनल पॉलिटिकल सीन को देखते हैं? मैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी। बट अभी आते हैं तो, मतलब संजय सर आपके काम पर, जो आप एज इलेक्शन इंचार्ज हो इस असेंबली के लिए, तो कौन है आपका मेन ऑपोजिशन? बिकॉज देख के समझ में नहीं आ रहा है, एक कोई ऑपोजिशन गाड़ी निकाल रहा है ऑडिवन पे, कोई जलेबी खाने गया है, तो आपको मतलब थोड़ा मजे का है आपका ये? तो ये अपोजिशन जो है यहाँ दिल्ली में, वो अपने आप को खुद ही मजाक बना चुका है। अब आपने देखा कल पोहा जलेबी खाते हुए हमारे गौतम गंभीर जी घूम रहे हैं, और हर मुद्दे पे वो वीडियो बना के आलोचना करने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं कि साहब प्रदूषण बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जो अपनी जिम्मेदारी है उसको इन्हें करना नहीं है। शुरुआत में वहीं से करता हूँ जहाँ से इन्होंने की। इन्होंने लिखा जी, कल दिल्ली भाजपा के 8 सांसद अलग अलग स्कूलों में गए। ये गिनती भूल गए, दिल्ली में तो 7 ही सांसद हैं। खैर कोई बात नहीं, इनके पहले सांसद ने ट्वीट किया, गौतम गंभीर जी ने, उन्होंने बड़े एरोगेंस के साथ लिखा, दे से फाइट द इलेक्शन ऑन एजुकेशन, आई से फाइट द इलेक्शन ऑन ट्रुथ। इन्होंने दिखाया कि कितना बदहाल स्कूल है, कितना खराब स्कूल है, लेकिन उसका ट्रुथ मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्कूल के गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना, यह स्कूल 9 अक्टूबर 2019 से एसबीवी जेजे कॉलोनी में लगेगा। स्कूल शिफ्ट हो चुका है। जब गौतम गंभीर जी वहां गए होंगे इस स्कूल का वीडियो बनाने, ट्रुथ बताने, तो उनको ये ट्रुथ नजर तो आ गया होगा, लेकिन पढ़ नहीं पाए होंगे, शायद जलेबी में व्यस्त होंगे। वहाँ कल्याणपुरी खिचड़ीपुर में जलेबी चौक बड़ा मशहूर है, तो शायद उनको जलेबी याद आ गई होगी, वो सार्वजनिक सूचना नहीं पढ़ पाए बेचारे गौतम गंभीर जी। तो इसलिए लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक सरकार है जो बिजली पे, पानी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जवान की शहादत पर, उसके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने पे, किसान को 50,000 रुपये हेक्टेयर फसल बर्बादी का मुआवजा देने पे काम कर रही है, बस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा पे काम कर रही है, और एक पार्टी है जो दिन रात उसके पीछे पड़ी हुई है, आलोचना निंदा में लगी हुई है। उनको सुबह उठते हैं तो केजरीवाल, दोपहर हुई तो केजरीवाल, रात को सोते समय केजरीवाल, तो केजरीवाल के दिन रात उनको सपने आ रहे हैं। क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़े। तो केजरीवाल जी एक तरह से दिल्ली के लिए कैंसर बन चुके हैं। और मैंने उनको आतंकी नहीं कहा, मैंने उनको नक्सलवादी कहा, जो वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो वो जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करता है। आप इस बात को समझिए, उन्होंने अब तक राजनीति किस मुद्दे पे की है? धर्म पे की है, जाति पे की है, मंदिर पे की है, मस्जिद पे की है। अब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मिल गए उनको कि जो कह रहे हैं भाई एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, पानी पे बात करो, बिजली पे बात करो, फ्री बस पे बात करो, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता, क्या करेंगे? जिस पे काम ही नहीं किया उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, हम उस पे उनसे बात करना चाहते हैं।
लोग अब उस बात के लिए तैयार हो गए दिल्ली में, अब तक दूसरे स्टेट्स में तैयार नहीं हो पाए लोग दुर्भाग्य से, इसका वो लाभ उठा रहे थे। यहाँ लोग इस बात पे तैयार हो गए कि भाई एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, बिजली पे बात करो, अब उनका एक्सपीरियंस ही है नहीं, काम किया नहीं इस पे कभी, तो वो क्या करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पर होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। शाहीन बाग में जिस प्रकार से भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इनसे पूछो 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। इनसे पूछो पानी फ्री कैसे करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। इनसे पूछो भाई महिलाओं की बस की यात्रा फ्री कैसे करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। अब शाहीन बाग सुन सुन के लोग कह रहे हैं भाजपा वालों से चल भाग चल भाग चल भाग। तो ये अब बंद होना चाहिए। मुद्दों पे बात करिए, दिल्ली के मुद्दों पे बात कीजिए। ओके तो सर अभी आते हैं दिल्ली के मुद्दों पर। जो करंटली दिल्ली जो दो चीज़ आपको मतलब बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले दो चीज़ों पे, उसमें से एक है एडुकेशन, कि एडुकेशन का पूरा 2015 के बाद फेसलिफ्ट हो चुका है दिल्ली में। पर क्या आपको लग रहा है ये इलेक्शन मुद्दा है, क्या इसके चक्कर में लोग वोट देंगे आपको? दिल्ली मुझे लगता है पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ एजुकेशन के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में लोग वोट करेंगे, क्योंकि ये कोई एक स्कीम या एक अनाउंसमेंट का इशू नहीं है कि हमने एक स्कीम ठीक से लागू कर दी। एजुकेशन बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इससे लोगों की अपनी ज़िंदगी बदल रही है, फ्यूचर जनरेशन की ज़िंदगी बदल रही है। तो आई थिंक एंड ये देश के लिए, हमारे लिए, हमारे पूरी राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन जैसे, हेल्थ जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएँ, और दिल्ली में एजुकेशन पर चुनाव होंगे इस बार। और देखिए ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास है, आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहाँ पर ये नए स्कूल बने हैं। हाँ तो अमित शाह जी, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूँ कि मेरे साथ चले। पहले भी मैंने कहा था आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। अब दो चीज़ें हुई हैं, एक तो कई सारे नए स्कूल भी बने हैं, लेकिन साथ साथ ज़मीन की प्रॉब्लम थी तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें खाली ज़मीन बहुत पड़ी हुई थी, उसमें हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो मौजूदा दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1024 स्कूल हैं, इन 1024 स्कूलों में सारे मिला के 17,000 कमरे हैं। हमने दिल्ली के स्कूलों में 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए, 70 साल में 17,000 कमरे बने, 1,000 स्कूल में हमने 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए, तो लगभग 1,000 नए स्कूलों की कैपेसिटी क्रिएट कर दी हम लोगों ने, उतने और बच्चे ऐड वो पढ़ सकते हैं। तो हमने नए स्कूल भी बनाए हैं और एग्जिस्टिंग स्कूलों में हम लोगों ने कैपेसिटी भी ऐड किया। हाँ बट सर, आपका एक जो क्रिटिसिज्म आया एडुकेशन सिस्टम को लेकर वो यही है कि फेसलिफ्ट हुआ है फोटो ऑप के लिए, बट टीचर्स का हाल वही है और टीचर्स एम्प्लॉय नहीं हो पाए पूरी तरीके से, और टीचर्स का क्वालिफिकेशन भी थोड़ा देखिए टीचर्स के अपॉइंटमेंट का जिम्मा लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके और फिर हाईकोर्ट ने अपील किया, उसको LG साहब को दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके साथ काम कर करके पिछले 5 साल में करीब 8-9 हज़ार टीचर्स नए आए हैं। हमारे पास जब हम आए थे तो 50,000 टीचर्स की पोस्ट होती थी, हमने 14,000 पोस्ट और क्रिएट कराई, क्योंकि अब बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं, हम नए कमरे बनवा रहे हैं तो नए टीचर्स भी चाहिए हमको। तो करीब 7-8 हज़ार टीचर्स नए आ चुके हैं पिछले 2-3 साल में। मतलब जब वो डेटा देखते हैं ना कि सब परमानेंट कितने हैं, गेस्ट कितने हैं, उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन टीचर्स की कमी नहीं है। दूसरा माहौल बदला है, अगर माहौल नहीं बदलता ना तो खाली वो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे स्कूल के फ़ोटो से काम नहीं चलता। आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट 96% हो गया, जो कभी 84-85% होता था, 5 साल के अंदर अंदर 96% टच कर जाएगा रिजल्ट, ये हमने भी नहीं सोचा था। आज दिल्ली के जब JEE का एग्ज़ाम होता है तो 400 बच्चे पिछले साल करीब 410 बच्चों ने JEE क्रॉस किया, पहले 20-25 बच्चे भी नहीं होते थे। तो ये क्वालिटेटिव है, हम तो खुद कहते हैं कि अच्छी बिल्डिंग बनाना एजुकेशन नहीं है, अच्छी बिल्डिंग बनाना एजुकेशन की ज़रूरत है।
एजुकेशन उसके बाद का काम है और हमने उस पर काम किया है। आज हैप्पीनेस करिकुलम है, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है, आज स्पोर्ट्स देख लीजिए, हमारे दिल्ली का बच्चा जाके रोजर फेडरर से खेल रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा, तो यहाँ स्विमिंग पूल भी है? ये स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, यहाँ से लेके और ये पिछला बिल्डिंग देख रहे हैं ना, हाँ, ये सब कुछ झाड़ झंकार था। अच्छा, मतलब यहाँ दीवारें वीवारें नहीं थी इसमें, और लोग इधर से उधर से निकलते हुए लोग टॉयलेट करते थे यहाँ पे, और बाजू में लड़कियाँ पढ़ती थी यहाँ पे। अच्छा, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, बहुत टूटी फूटी सी। आज इस 1000 बच्चे पढ़ पाते थे, वो भी टूटे फूटे में। आज यहाँ पे 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वो शोरूम टाइप का तो नहीं कि ये दिखा दिया एक दो शोकेस के लिए? आप चलिए, आप पूरी दिल्ली में, आप मुझे लोकेशन बताइए, मैं आपको हर इलाके में दर्जन भर स्कूल बता दूंगा जो ये ऐसे इससे बेहतर, जो शानदार एक प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हुए स्कूल बिल्डिंग में भी और पढ़ाई में भी है। पर आपको जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपको क्या लगता है वो कहाँ फॉल शॉर्ट कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो करंटली आप? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये 5% बच्चों को तो बहुत शानदार एजुकेशन देता है, उससे आपको लगता है यार, जैसे हमारे बारे में भी हम कोई ऐसे भ्रम में नहीं है कि हम पहली बार एजुकेशन पे बात कर रहे हैं देश में। बहुत लोगों ने बात की है, IIT हमने नहीं खुलवाया, IIM हमने नहीं खुलवाए, AIIMS हमने नहीं खुलवाया, और बहुत सारे इतने बढ़िया शानदार इंस्टीट्यूट्स हैं देश में, वो हमने नहीं खुलवाए। लेकिन गलती क्या हुई है कि हमने 5% बच्चों को बहुत शानदार क्वालिटी एजुकेशन दी, और 95% बच्चों के लिए जो एजुकेशन क्वालिटीज रखी उनकी बुरी होने की कोई लिमिट नहीं है। मतलब देश की राजधानी में 5 साल पहले स्कूल ऐसे थे जहाँ कमरे में जाओ तो मकड़ी के जाले लग रहे हैं, टूटे हुए डेस्क हैं, छज्जा सारा गिरा हुआ, बाजू के वॉशरूम से बदबू आ रही है, पानी वानी तो भूल ही जाइए, टीचर थे नहीं। तो वो बुरे होने की उसकी कोई सीमा नहीं है, खराब होने की कोई सीमा नहीं है। तो 5% जब आप अच्छा देते हैं तो आप कहते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन है तो सही, देखो IIM है, IIT है, हमारे बच्चे आज गूगल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे आज बे एरिया चला रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि बाकी 95% बच्चे क्या कर रहे हैं, वो PhD करने के बाद कोई ऐसी नौकरी ढूंढता है जहाँ 8वीं क्लास की भी नौकरी योग्यता वाली होती है, तो वो उसको कुछ कर नहीं रहा, तो वो हमारी कमी सबसे बड़ी है। चपरासी और चालक के पद के लिए लाखों आवेदन आ गए, इनमें से कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं है, सब ठेके पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठेके पर की नौकरी के लिए इतनी मारामारी है। अखबारों में लिखा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चालक, चपरासी, माली, स्वीपर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 738 पदों के लिए 281,000 युवकों ने अप्लाई कर दिया। यह है बेरोजगारी का अखिल भारतीय विस्फोट। इनमें 80% उम्मीदवार 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, MA हैं, MBA तक के छात्रों ने, नौजवानों ने किया है, लेकिन स्क्रीनिंग जब हुई तो उसमें सिर्फ 8वीं पास के युवाओं को ही मौका मिला, क्योंकि योग्यता 8वीं पास की ही रखी गई थी। नौजवानों ने लाखों रुपए देकर बैंक से कर्जा लेकर जो डिग्री ली है वो कबाड़ हो चुकी है। पर ये नेगेटिव जॉब लॉस इकोनॉमी में जो हम अभी घुसे हैं, इसको ठीक करना भी मतलब आई डोंट थिंक किसी और पार्टी का काम होगा, ये मतलब कौन कर सकता है? इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का जो भूमिका होती है, हम सब जानते हैं कि हम जो भी पॉलिटिक्स में जो भी बात करें, इकोनॉमी को आगे देश का व्यापारी बढ़ाता है। मैक्सिमम जॉब क्रिएशन देश का व्यापारी करता है। सरकार का काम है कि आप उसको फैसिलिटेट करो, आप उससे समझो क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम दूर करो। देश की प्रॉब्लम व्यापारी दूर करेगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के। आप व्यापारी को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो। लोग कांग्रेस के रिजीम से क्यों नाराज थे? क्योंकि कुछ चंद व्यापारियों ने सारी की सारी इकोनॉमी के सारी पॉलिसीज को शिकंजे में ले रखा था, बाकी के ग्रोथ होने के मौके नहीं बन रहे थे। आज वापस वही काम ये कर रहे हैं। आपको व्यापारी को मतलब, मैं दिल्ली तो छोटी सी जगह है और हम कोई बहुत इकोनॉमिक सक्सेस के मॉडल नहीं है, लेकिन आपको बताऊं, हमने टैक्स कम किया है दिल्ली में, हमने रेड राज बिल्कुल बंद कर दिया, और उसके बावजूद आज दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि डबल हो गया। जबकि हमसे पहले 5 साल में जाओगे कांग्रेस के रिजीम में, 2010 से लेके 2015 का जो बजट था, मतलब हमसे पहले 5 साल में दिल्ली का बजट बढ़ा 25,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का इजाफा था 5 साल में। हमारे दौरान 30,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। जबकि बड़ी बात है, बड़ी चीज है, जबकि मुझे पता नहीं था GDP लगातार बढ़ रही है दिल्ली की, SGDP दिल्ली का, इंडस्ट्रियल बेस GST होने के बावजूद हमने सर्विस सेक्टर को बहुत फैसिलिटेट किया है यहाँ पे, हमने उसको फ्री फ्लो दिया है, हमने उसको ऑनेस्ट कमिटमेंट दिए हैं कि आपको कोई दुखी नहीं करेगा, आप काम करना शुरू करो। आज दिल्ली में व्यापारी एक फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल पे फील कर रहा है, तो वो टैक्स भी दे रहा है।
और हमने सख्ती भी की है। जो टैक्स चोरी करता था, जनता से टैक्स लिया और सरकार में जमा नहीं किया, हमने उसके खिलाफ सख्ती भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन रेड राज कम कर दिया हमने, टैक्स के रेट्स 12% जहां होता था वैट के रिजीम में हमने 5% कर दिया। व्यापारियों से बात की, हमने कहा कमिटमेंट करो टैक्स कम नहीं होगा। व्यापारियों ने कहा साहब आप टैक्स के रेट कम कर दीजिए, क्योंकि एक आदमी हमारी शॉप पे आता है वो कहता है जी 12% तो मेरे लिए 1,00,000 रुपये का 12,000 रुपये दूंगा मेरे लिए ज़्यादा है, मुझे बिना टैक्स के दे दो। अगर आप 5% कर देंगे तो व्यापारी भी उसको कह सकता है भाई 5,000 तो दे दें फिर हम आपको दे देंगे। तो हमने उनके कहने पर किया, हमारा कलेक्शन बढ़ा। मेरा नाम अभिषेक है, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, क्या सब कुछ फ्री करना ही आपका एजेंडा है? ये काम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री बांटा जाता है इसको काम नहीं कहा जाता, इस पर आप क्या सवाल कहेंगे? ये क्या फ्री ही एजेंडा है, और क्या आपको लगता है कि इस फ्री के एजेंडे में दिल्ली का बजट भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी? एक्चुअली अगर आप देखिए कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी करीब 1 महीने पहले जी, सीएजी की उस रिपोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में सिर्फ एक सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही है, जो मुनाफे में चल रही है, वो दिल्ली की सरकार है। पूरे देश में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारी राज्य सरकारें घाटे में चल रही है, केंद्र सरकार घाटे में चल रही है। सीएजी ने यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार केवल पिछले 5 साल से फायदे में चल रही है, उसके पहले घाटे में चलती थी। तो हमने सरकार को भी फायदे में रखा, हमने कहीं से लोन नहीं लिया, तो मैंने जो पैसा बचाया भ्रष्टाचार रोक के, उस पैसे को फिजूल खर्ची रोक के, उस पैसे को मैं जनता के ऊपर उनको सुविधाएं दे रहा हूं। ये बड़ी बात है, अगर आपका मुनाफे का बजट है तो कर क्या रहे? आप दवाएं दे रहे हैं, आप फरिश्ते योजना ला रहे हैं, आप महिलाओं को बस की यात्रा फ्री दे रहे हैं, इसी बजट से दे रहे हैं, जनता के पैसे से ही दे रहे हैं। और जब आप आम आदमी को राहत दे रहे हैं, उसके जेब में पैसा बच रहा है, तो वो मार्केट में उसको खर्च कर रहा है, तो बाजार की इकोनॉमी भी चलती है उससे। तो ये जो लोग कहते हैं कि फ्रीवीज उसकी आलोचना, वो ठीक नहीं है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाना भ्रष्टाचार करके, उनकी लूट को बढ़ावा देना, बजाय इसके कि आप लाखों करोड़ों लोगों को उसका फायदा पहुंचाएं और उसके जेब में पैसा आए और वो बाजार में उसको खर्च करे, मैं समझता हूँ ये देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन मॉडल है जो दिल्ली ने करके दिखाया। पर सर, फिर वोटर आपके साथ लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं है? आपको लगता है कि वेलफेयर तो चल रहा है? देखिए, उसमें लोगों ने मोटे तौर पे दो चेहरा देखा, एक मोदी जी का देखा, दूसरा राहुल गांधी को देखा। और हम लोगों को ये माना कि भाई ये कहीं सरकार बनाने की दौड़ में या उस होड़ में नहीं है, तो इसके कारण से लोकसभा के चुनाव परिणाम जो आए वो या तो बीजेपी की तरफ गए या वोटर्स कांग्रेस की तरफ गए। लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है, और वहां सिर्फ और सिर्फ लोग केजरीवाल को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, हमारे काम को देख रहे हैं, और बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ पे जो उनको फायदा हो रहा है उसको देख रहे हैं, और उसके आधार पर उन्होंने तय किया है कि भाई हम इस पार्टी के साथ ही जुड़ेंगे और वोट देंगे। जब मैं आपकी बहस में आता था तो सवाल होता था मोदी बनाम कौन, कोई नहीं है, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर हो रहा है, और आज दिल्ली में सवाल है केजरीवाल बनाम कौन, और सामने कोई नहीं है, और उनके पास कोई चेहरा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ाने के लिए नहीं है। तो इसलिए टीम विदाउट कैप्टन और बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। मैं क्यों डरूंगा, हमारी लाखों बेटियां, आई एम प्राउड कि मैं रिंकी, टिंकी, पिंकी, ट्विंकल, ऐसी सारी बेटियों का चाचा, उनके पापा समान हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं उनका केयर टेकर बनना चाहता हूं। भैया अरविंद केजरीवाल जी, आपको बेटियों से परेशानी होती होगी, मनोज तिवारी को रिंकिया का पापा होने पे गर्व है साहब। पर एक्चुअली अभी ये टाइम आपके लिए सही है समझाने का, जो ये बस राइड फ्री फॉर वुमेन है, जैसे इसको आपने एज प्रपोज किया था कि दिस विल हेल्प इन वुमेन सेफ्टी, और काफ़ी लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज़ किया कि दिस मे नॉट हेल्प इन वुमेन सेफ्टी, और काफ़ी औरतों ने भी उसको खुले क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? ये दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हैं तो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कम होगा, प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कम होगा तो प्रदूषण रोकने में कहीं ना कहीं उससे मदद मिलती है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी कामकाजी महिलाएं हैं जो 6-6 किलोमीटर पैदल चल के जाती हैं रात के अंधेरे में काम करने के लिए। आज की तारीख में उनके लिए सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा था, वो बस से फ्री जा सकती हैं, फ्री आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे
यहाँ पे ऑटो वाले झुग्गी वाले लोग हैं जिनकी बच्चियाँ इवनिंग क्लासेस में पढ़ती हैं, उनको पैदल जाना पड़ता था स्कूल कॉलेज, वो उनके लिए भी एक सेफ्टी का इशू था। तो ये कई दृष्टि से मैं समझता हूँ कि फ्री बस राइड महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी, दिल्ली के प्रदूषण की दृष्टि से भी, और एक सरकार है जो ये बताती है कि हमारी चिंता सिर्फ चंद लोग नहीं है, सिर्फ चंद बड़े पूंजीपति लोग हमारी चिंता में नहीं है, बल्कि इस मुल्क का आम आदमी और उसकी जरूरतें हमारी चिंता में। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कॉफी अनान आए थे स्पेशली इंडिया, नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई थी देखने के लिए। यूएन ने इसके ऊपर वो कहा है कि बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है बहुत शानदार है, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे, 2 करोड़ पेशेंट्स इलाज करा चुके हैं पिछले 5, तो अच्छी चीज़ हो रही है। पर मोहल्ला क्लिनिक पे एक और डिस्कशन जो थोड़ी नेगेटिव स्पेस में गई है कि कुछ 200 मोहल्ला क्लिनिक अब खुले हैं, 1000 खुलने वाले थे 5 साल में, और लास्ट ईयर से अभी तक कुछ 28-30 करोड़ के बजट कट्स भी हुए मोहल्ला क्लिनिक में, तो कहाँ मोहल्ला क्लिनिक लैक कर रहा है, कहाँ 1000 बन रहे हैं। आइडिया ये है कि दिल्ली में आप जहाँ भी हों, मतलब हमने ज्योग्राफी को कैलकुलेट किया और ये देखा, जैसे लंदन के बारे में कहा जाता है ना कि आप कहीं भी खड़े हो आपको 500 मीटर पे ट्यूब मिल जाएगी, हमने कहा था आप कहीं भी खड़े हो, आपको अगर कुछ सिकने से कोई बीमारी फील हो रही है आपको 500 मीटर वॉक पे या रिक्शा से जाओ गाड़ी से जाओ, आपको 500 मीटर की दूरी पे एक MBBS डॉक्टर मिल जाएगा जो आपको फ्री ट्रीटमेंट देगा, फ्री चेकअप करेगा, फ्री दवाइयाँ देगा। ये मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक इसके लिए पर्याप्त हैं पूरी दिल्ली के लिए, लेकिन 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपके लिए। लेकिन बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो LG साहब उस पर बार बार रोक के बैठ जाते थे, हमने धरना दिया फिर जाके वहाँ, हमने 7 दिन भूख हड़ताल की LG साहब के घर में बैठ के, हमारे 22 विधायकों ने जाके LG साहब के ऑफिस में धरना दिया, तब वो फाइलें क्लियर कराई। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो पिछले 1 साल में देखें, 1 साल हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए, जिसमें कहा गया कि भी दिल्ली सरकार के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सके, तो उसके बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। उससे पहले हमने करीब 150 मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, 200 मोहल्ला क्लिनिक अभी फंक्शनल हो गए हैं और अभी भी तेज़ी से बन रहे हैं, मुझे लगता है अगले और मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक का टारगेट पूरा हो जाएगा। 4.5 वर्षों तक यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, हमारी पास कोई शक्ति नहीं है, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं। अचानक अब 2 महीना से सब काम हो गया, सब काम हो गया, हमने सारा कुछ कर दिया। कैसे भैया? कुछ लोग ये जो आरोप लगाते हैं ना कि केजरीवाल अभी चुनाव के पहले क्यों इतने काम कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सब मुद्दों में दिल्ली सरकार फाइनल अथॉरिटी है, LG फाइनल अथॉरिटी नहीं है। पहले सारी फाइलें LG साहब के पास जाया करती थी, अब LG साहब क्या करते हैं, जैसे हमने डोर स्टेप डिलीवरी का लगाया, तो डोर स्टेप डिलीवरी क्या है भाई, आपके पास में पिज्जा खाने के 2 तरीके हैं, आप चाहें तो अपने बीवी बच्चों के साथ कार में बैठ के जाइए, वहाँ गाड़ी पे जाइए, पिज्जा खाइए जाके दुकान पे, या आप फोन करिए पिज्जा आपके घर आ जाएगा। तो हमने कहा सरकार के ऐसे क्यों नहीं हो सकता, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, आपको गाड़ी की RC रिन्यू करानी है, या आपको कोई रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, एज का सर्टिफिकेट चाहिए जो कहीं काम आएगा, तो 2 तरीके हैं, आप या तो सर SDM के दफ्तर जाइए वहाँ से बनवा लाइए, या आप सरकार को फ़ोन करिए, सरकार का कोई आदमी आके आपके घर में बना के दे जाएगा। तो ये भी फ्री डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, तो आइडिया सबको अच्छा लगा, हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले की बात है, तो इसकी फाइल जब बनी तो LG साहब के पास गई, तो LG साहब के यहाँ से उस पर लिख के आया, उन्होंने लिखा कि अगर डोर स्टेप डिलीवरी लागू होगी तो इसका मतलब सड़कों पर जो बाइकर्स होंगे जो या लोग होंगे जो लोगों के घर जाया करेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, तो सड़कों पे से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। वो फाइल में लिखा हुआ है, तो वो लोग अभी जो दुनिया भर में गवर्नेंस रिफॉर्म हो रही है, लोग चाहते हैं मेरे टिप्स पे आ जाए चीजें, मेरे घर पे आ जाए चीजें। उसमें आप कह रहे हो कि अगर सरकार की सर्विसेज लोगों के घर में पहुंचेंगी तो इससे सड़कों पे आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ये रीजन देते हुए रिजेक्ट किया गया है। और ये जो आप करने वाले थे उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये भी कुछ कैलकुलेट किया होगा? तो हजारों लोग, उसके बाद तो हमने कर दिया ना, हमने कर दिया 95% सर्विसेज
अब मिल रही हैं लोगों को और मेरे ख्याल से 70 के करीब सर्विसेज अलग अलग तरीके की लोग डोर स्टेप पर ले रहे हैं, अपने फ़ोन करते हैं कि मैं रात को 8 बजे घर पहुँचूंगा, मेरे घर आ जाना और मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। सारा आदमी कंप्यूटर लेके अपना लैपटॉप लेके आता है, टैब लेके, और वो सारे डॉक्यूमेंट वहीं एंट्री करता है, वहीं फ़ोटो खींचता है। कोई रिश्वत नहीं मांग सकता। रिश्वत किस लिए मांगी जाती है? रिश्वत इसलिए मांगी जाती है कि आप SDM के दफ्तर में गए, वहाँ बैठा बाबू देखेगा यार आप तो रिश्वत दे सकते हो। अच्छा है, आप ऐसा करो, आपके पास ये 4 पेपर है ना, 5वां पेपर चाहिए। फिर आपको लगेगा यार आधा दिन की छुट्टी लेके आया था, 5वां पेपर लाऊं और फिर कल से छुट्टी लेके आऊं, या कहीं कोई 250 रुपये 500 रुपये लेके काम करा दे, काम करा लो। तो बाहर दलाल मिल जाता था, ये धंधा चलता है। अब बंदा आपके घर आ रहा है, वो 5 की जगह 6 पेपर भी मांगेगा, आप तुरंत निकाल के दे दोगे। बिल्कुल, तो रिश्वत बंद। पर उसमें सबको प्रॉब्लम थी, उसमें कह रहे हैं कि अगर ये आदमी सड़क से चल के दफ्तर से उसके घर गया तो सड़क पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। मजाक है एक्चुअली। इस पे सोचना चाहिए कि ये जहरीली हवा आ रही है, जहरीली गैस ये आई है, ये हो सकता है किसी बगल के मुल्क ने छोड़ी हो जो हमसे घबराया होगा। पर इस पर भी चिंतित करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जहरीली हवा तो नहीं छोड़ी, कोई जहरीली गैस तो नहीं छोड़ दी है, आधे भारत में जहरीली हवा आ गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन स्कीम शुरू की और कहा कि आज चूंकि 4 तारीख है, सबको इवन नंबर की गाड़ी में जाना है, आप एक डीजल SUV में ऑड नंबर की गाड़ी के साथ उतर जाते हैं। आप इतने सीनियर नेता हैं, दिल्ली में BJP के चेहरे के तौर पे आपको देखा जाता है, आपको तो सही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आप ये गलत एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहे हैं लोगों के सामने कि चालान कटाना बेटर है, लेकिन सरकार की मैं नहीं सुनूंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 5 साल तक पॉल्यूशन में एक भी काम नहीं किया। सर आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ, आप बोल रहे हो उन्होंने नहीं किया। एक आपका मंत्री बोलता है गाजर खाओ, एक मंत्री बोलता है गाना सुनो, आप बताओ ना आपके मंत्री क्या कर रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हो? बहुत प्रयास करके इन लोगों ने एक योजना बनाई कि भाई दीपावली के दिन दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, 3-4 दिन, ये पिछले साल के रिकॉर्ड थे, तो दीपावली के दिन प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए लेजर शो की दीपावली बनाई जाए। कनॉट प्लेस में उसका बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें लाखों लोग आए और छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने कहा नहीं पटाखे नहीं दगाएंगे पापा मम्मी के साथ दादा दादी के साथ। उसके खिलाफ अपनी खुद की फोटो डाल के पटाखे दगाते हुए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि पटाखे दगाओ प्रदूषण बढ़ाओ। तो इतनी नफरत है यार, अपने बच्चों से भी तुम नफरत कर रहे हो, प्रदूषण रोकने के बजाय तुम पटाखे दगा रहे हो कि प्रदूषण बढ़ाओ, उसके बाद उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देते हो। अरे वो लाखों हिंदू ही हैं जो कह रहे हैं नहीं यार, इस दिल्ली को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, बुजुर्गों को बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए हम पटाखे नहीं दगाएंगे। बोले साहब हिंदू हो तो पटाखे दगाओ। तो ये जो गोबर वाली मानसिकता है इससे भाजपा नहीं निकल पा रही। वो कह रहे हैं वो पूरे टाइम गोबर 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 गाय में लगे हुए हैं। मैं एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अड़ुबम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लगा लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीक तो ले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्हीं ने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्हें पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात, ये आपत्ति। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। कुछ इस देश के और दुनिया के रियल इश्यूज हैं। आज MIT में, अमेरिका में प्रयोग हो रहा है और सफल प्रयोग किया उन्होंने कि साहब हम एक जो जुगनू होता है ना, जुगनू रात में चमकता है, तो उन्होंने जुगनू के उस केमिकल को स्टडी किया और उससे एक एंजाइम डेवलप किया, कोई उसका नाम मुझे याद नहीं है, और उसको एक ट्री में प्लांट किया और आज वो पौधा बना के खड़े हुए हैं। प्रयोग सफल करके अब दुनिया में उसको मार्केट करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं कि अगर आप सड़क पे पौधा लगा दो तो
तो आपको स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पौधा रात में स्ट्रीट लाइट का काम करेगा और दिन में पेड़ पौधे का काम कर ही रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो सारी दुनिया उस तरफ जा रही है, रिसर्च हो रही है, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, अपनी दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं लोग, फॉरवर्ड लुकिंग हो रहे हैं। हम वहीं बैठे हुए हैं, नहीं जी मंदिर मस्जिद, नहीं जी 370 370 यार कर लो, उसके बाद आओ चलो रिसर्च करते हैं, आओ चलो आगे लेके चलते हैं। मैं जापान की यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पर मैं देखा मतलब यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और 8-8, 10-10 साल पढ़े रहते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्या रिसर्च कर रहे हैं? वो रिसर्च कर रहे हैं कि साहब हाइड्रोजन से कार कैसे चलाई जाए। हाइड्रोजन कार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो चल रही है, लेकिन अभी दुनिया में मीथेन से हाइड्रोजन निकाल के कार चला रहे हैं। जापान के वो 40-50 लड़के, उनके प्रोफेसर्स, लड़कियाँ, उनके रिसर्चर सारे लगे हुए हैं कि जी पानी से कैसे इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बोले पानी से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग करके और उस हाइड्रोजन को फ्यूल में कैसे यूज़ किया जाए, मतलब पानी से कार कैसे चलाई जाए इफेक्टिवली, वो वहाँ रिसर्च करने में लगे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कितने दिन, बोले जी हम 5 साल के अंदर उम्मीद कर रहे हैं, हम वेरी नियर टू क्रैक हैं, 1-8 साल में हम क्रैक कर लेंगे, फिर प्रयोग करना शुरू कर देंगे, 5 साल के अंदर अंदर पानी से कार चला के दिखा देंगे। आई विश ये हो जाए, अभी यूटोपियन लगता है। हम मतलब सारी दुनिया वहाँ घूम रही है, फिर उसके बाद जब कोई रिसर्च हो जाती है, कल को पौधा मार्केट में आ जाएगा, कल को पानी की कार मार्केट में आ जाएगी, तो हम फिर उसको इम्पोर्ट कर रहे होंगे। यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम शून्य की खोज करने वाला देश हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, क्यों? क्योंकि हम इन मूर्खतापूर्ण और धूर्तपूर्ण विषयों में जो फंस गए। हाँ सर, ऑल्सो आप अलग कंट्रीज से कंपेयर कर रहे हो इंडिया को, आप जापान जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, आपको खाली पाकिस्तान और नेपाल जाना है। चुनाव आया, पाकिस्तान लाया, पाकिस्तान की एंट्री हो ही जाती है जब चुनाव करीब आते हैं, और एंट्री कौन कराता है बताने की जरूरत नहीं है कि यही पाकिस्तान वाला बीजेपी का फॉर्मूला कभी हिट भी होता है, कभी फ्लॉप भी होता है, लेकिन पार्टी इससे बाज नहीं आती है। चलिए, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें शर्म नहीं आती है। अब टीवी चैनल्स की हालत देख लीजिए, 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो पाकिस्तान से डराते रहते हैं आपको, दिन रात नफरत फैलाते रहते हैं। तो ये जो मतलब 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश से आप 130 करोड़ आबादी वाले देश को दिन रात डराते रहते हो, उसी का नाम लेते हो, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अब सबसे डराते फिर हो इंडिया को, तो डर के हम लोग अपनी जिंदगी जिएंगे क्या? और क्या इसी डर से उनकी राजनीति सफल हो रही है, तो वो इसी माहौल में हमको रखना चाहते हैं। सर, आप भी थे ना एक टाइम पे जी न्यूज पे नौकरी, क्या कैसा था वो दौर? ऐसा तो नहीं था मतलब। देखो, मैंने रेडियो में काम किया है, मैंने अखबारों में भी काम किया, टीवी न्यूज में भी काम किया, ऐसा नहीं था उस वक्त, ये सब टीवी डिबेट नहीं होती थी, रिसर्च होती थी। आज मतलब कॉम्पिटिशन तब भी था, मतलब दिल्ली से जर्नलिस्ट चल के अगर मणिपुर पहुँच गया, नहीं पहुँचा और दूसरे चैनल ने कोलकाता से अपना जर्नलिस्ट भेज दिया, तो टफ कंपटीशन था। फिर रात में चाहे कार चला के जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। पर ये मतलब मुर्गा लड़ाओ योजना नहीं, रिसर्च होती थी। वो रिसर्च खो गई है अभी मीडिया में, अब बस ऑप्टिकल व्यूज लेके कुछ कह दो, वही खबरें हैं। ये आपने सही बोला, मुर्गा लड़ाओ योजना शाम को 5 बजे के शब्द बड़े शानदार हैं। बिल्कुल, तो मुर्गा लड़ाओ योजना चल रही है उनकी। अब 4 पुस्तक खोलेंगे सोनिया गांधी का, बता सोनिया गांधी के पिता का नाम बता, दाढ़ी पार कौन है बता, कौन है और समय कौन है, दाढ़ी पार कौन है बता, दाढ़ी पार कौन है बता, कौन है सोनिया दाढ़ी पार कौन है बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। सोनिया जी के खानदान को मैं यहां चौराहे पे लेके आऊंगा, जिसके खानदान में खोट है, जिसके खानदान दिल्ली की जनता को क्या लेना कि फलाने नेता के परिवार में खोट है, कि फलाने नेता की भाभी का नाम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक चीज समझिए कि जब पूरी राजनीति एक गलत दिशा में जा रही है, एक अलग डायरेक्शन में पूरी पॉलिटिक्स जा रही है, तो इन मुद्दों पर बात कब होगी? ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो वित्त मंत्री जी कहती हैं साहब ओला उबर चलने लगा इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी है, तो फिर ट्रक की बिक्री में कमी क्यों आ रही है, बाइक्स की बिक्री में कमी क्यों आ रही है? देश की GDP 5% पहुंच गई, 8% से घट के 5% पे आप आ गए,
आज एनपीए उठाकर देख लीजिए, बैंकों में जो हमारा आपका पैसा जमा था 10.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का एनपीए हो चुका है। बड़े बड़े लोगों ने कर्जा ले लिया, चुकाते नहीं। जब उनको पकड़ने की कोशिश करो तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं नीरव मोदी, कहीं नितिन संदेशरा, कहीं विजय माल्या, कहीं ललित मोदी। इन इन बातों पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है देश में। 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक का पैसा उठा के बैंकों को घाटा पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। आज देश की इकोनॉमी जिस हालत में पहुंच रही है, और उसके बाद आप मंत्रियों के बयान सुनिए तो लगता है कि कोई परवाह ही नहीं है। कोई कहता है फिल्म के टिकट बिक रहे हैं इसलिए अर्थव्यवस्था अच्छी है। कल अभी एक मंत्री जी ने कहा कि ट्रेन में लोग बैठ रहे हैं, फ्लाइट से ज्यादा सफर कर रहे हैं, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था ठीक है। कोई एयरपोर्ट में जाओ, फुल एयरपोर्ट फुल है, सीट नहीं मिलते। कोई रेलवे स्टेशन पे जाओ, टिकट नहीं मिलते, वो फुल है। और कोई इतना सब लोग मीडिया में पेपर में आ रहे, किसी का शादी नहीं रुका है। पूरा देश में इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चल रही, कोई उसमें आप बताओ मुझे किधर क्या प्रॉब्लम है। अगर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की माने तो ऐसा ही है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई बॉलीवुड की 3 फिल्मों ने पहले ही दिन 120 करोड़ रुपए कमा लिए। तो फिर आर्थिक सुस्ती कहां है? आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें शर्म नहीं आती है। पर जैसे एक ये भी बोलते हैं क्रिटिक्स आपकी पार्टी की तरफ कि आपकी पार्टी ने रिवर्स ग्रोथ लिया है एज अ पार्टी, कि आप आए नेशनल मंच पे नेशनल एम्बिशन के साथ और अब आप खाली दिल्ली से संतुष्ट है, काफी हरियाणा में नोटा से कम वोट मिले, काफी जमानत जब्त हुए महाराष्ट्र में, ये सब क्रिटिसिज्म हुई है। इसका जवाब ये है सर, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि लोगों का थोड़ा ये हो रहा है कि हाँ फिर केजरीवाल दिल्ली के लिए ठीक है, दिल्ली में ही रहने देते। और मतलब जहाँ आपको फुल स्टेटहुड मिले आप वहाँ पे कैसे काम कर पाए वो भी तो देखना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। लाइक चाहे वो छोटा शहर हो, गोवा जैसा हो, देखिए आम आदमी पार्टी, पर जहाँ आपको फुल स्टेटहुड मिलने का स्कोप हो वहाँ क्या हो? आप सोच लीजिए, एक चौथाई पावर में छोटी सी स्टेट के अंदर अगर इतना बेहतरीन काम सारी मुसीबतों और दुर्भावनाओं के बावजूद केजरीवाल सरकार कर पा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर हमको फुल स्टेट मिलेगा तो हम इससे कई गुना बेहतर काम कर सकते हैं। पहला मैसेज तो इसका ये है। और दूसरी बात जो आपने कहा, आप देखिए हम कुल 6-7 साल की पुरानी पार्टी हैं, एक स्टेट के अंदर 2 बार हमारी सरकार बन चुकी, एक स्टेट में चुनाव लड़ने गए पंजाब में, वहाँ पर हम मेन अपोजिशन पार्टी हैं, गोवा में हम चुनाव लड़ने गए वहाँ 6.2% वोट हमें मिला, देश के दूसरे राज्यों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक है। मैं समझता हूँ 7 साल में ये किसी पार्टी के लिए कम उपलब्धि नहीं है, लेकिन देश के पैमाने पर बढ़ने का कोई अचानक से तरीका बन जाएगा वो मैं नहीं मानता, बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका दिल्ली का काम आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कल को जब हमारे पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, अरविंद केजरीवाल जी दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जाएंगे, तो लोगों में जो बेचैनी है उनको मान्यता पूरे देश के पैमाने पर मिलेगी, आम आदमी पार्टी को लोग पूरे देश के पैमाने पर समर्थन देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लगे रहो लगे रहो लगे रहो केजरीवाल, ओ लगे रहो जमे रहो लगे रहो केजरीवाल। आपसे लास्टली आपका असेंबली इलेक्शन का ले लेता हूँ, क्या आपका प्रिडिक्शन है इस बार? तो मैंने जितना प्रिडिक्शन लिया है लोगों से वो तो बोल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पर 44-45 सीट्स पे रखा है आपको, पता नहीं क्यों। आई थिंक थोड़े छोड़ के भी चले गए, थोड़े कांग्रेस चले गए, थोड़े बीजेपी चले गए, आई थिंक उसके चक्कर में। पर आपका क्या मानना है इस असेंबली इलेक्शन का? नहीं, एक पूर्ण बहुमत की एक बहुत अच्छी मजबूत सरकार बनेगी। सीट्स कभी भी जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो 70 की 70, जैसे दिल्ली है तो 70 सीटें, तो 70 की 70 सीटों पर जीतने के लिए लड़ते हैं, और ये सोच के नहीं लड़ते हैं कि 70 में से 67 भी आ जाएंगी। हमेशा टारगेट ये रहता है कि पूर्ण बहुमत की एक अच्छी सरकार बने। आज भी जिस तरह के काम हुए हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम वापस लगभग उसी बैंड में जाके खड़े हों, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का प्यार सम्मान लोगों से मिल रहा है, वहीं जाके खड़े होंगे। तो 67 सीट्स आप बोल रहे हैं आप? मुझे लगता है कि ये जो काम 5 साल का हमारा रहा है, पिछली बार हम 49 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर गए थे,
जिसपे 67 सीटों की मोहर दिल्ली की जनता ने लगाई, इस बार 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, 15 की तरह ही एक बड़ा बहुमत दिल्ली में फिर से आएगा। यहाँ आप में से कई सारे बीजेपी कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं, आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, आप अपनी पार्टी में रहिए, मैं आपको पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन इस बार वोट सारे झाड़ू पे दे देना। और मैं अर्ज भी करूंगा कि भाई ये लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में निकल मत जाना हिमाचल में, हिमाचल जाना वोट करना, नहीं तो बिकॉज अभी मोदी जी का फॉर्मूला सेम है, या तो पावर में रहो या तैयार जाओ। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों 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 को। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें शर्म नहीं आती है। ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता होता है कि हम आगे देखें। वो किसी फिलोसफर ने लिखा था, मैं मतलब वन ऑफ माय फेमस फेवरेट थिंग, उसने लिखा था कि वो गाड़ी जब आप आगे चलाते हैं ना, तो बाय डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन है कि आपको आगे देखने का जो शीशा होता है, हिंदी में शीशा कहते हैं, तो अच्छा लगता है। जो आगे देखने का शीशा होता है वो बड़ा होता है, और पीछे देखने का शीशा होता है वो छोटा होता है। अगर आप पीछे देखने का शीशा बड़ा कर लेंगे ना, तो आपका एक्सीडेंट तय है। तो अभी हम यही कर रहे हैं, उस मोदी जी या जो सारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, नेहरू जी ने ये नहीं किया था, फलाने ने ये नहीं किया था, उसने ये नहीं किया था, इंदिरा जी ने ये नहीं किया था, राजीव ने ये नहीं किया था, अरे यार उस वक्त की परिस्थितियों में उन्होंने जो किया उसको झांक लो शीशे में छोटे में। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत किया हो, आप वो गलती मत करना। और आप बड़े शीशे में देखो, भविष्य बड़े शीशे में देखना है, आप आगे देखो ना, फॉरवर्ड लुकिंग बनो। आप बैकवर्ड लुकिंग बनोगे तो आप ठोक दोगे देश को, और आप ठोक दिया। यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है, यही देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच ने किया कैमोफ्लेज फेस है, देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं।